हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज का वीडियो है हमारा क्लास 9th का मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 39। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की डेट है 2 अक्टूबर 2020 और टॉपिक आज का हमारा जो है वो है मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2D फिगर्स की, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स। टू डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रेक्टेंगल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लॉन्गेस्ट साइड जो लेंथ है इसकी और जो लेंथ है वो ब्रेथ से बड़ी होती है, जिसको एल और बी से हम डिनोट करते हैं। तो लेंथ एंड ब्रेथ ये दो डायमेंशन हैं, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड 2D फिगर, टू डायमेंशंस। इसी तरह स्क्वायर भी टू डायमेंशन है, सर्कल भी टू डायमेंशन है, ट्राइंगल भी टू डायमेंशनल फिगर है इसमें, ठीक है, जिसमें दो डायमेंशन होते हैं। जैसे किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये बेस हो गया और एक एल्टीट्यूड यानी कि हाइट हो गई, ठीक है। तो 2D फिगर इस तरह के होते हैं, इसमें टू डायमेंशन होते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है 3D फिगर, यानी कि 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन क्या होता है? यहाँ पर देखिए, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, जिसको कि हम डेप्थ भी कहते हैं, जिसको हम डेप्थ भी कहते हैं। लेंथ यहाँ पे दे भी रखा है आपको, लेंथ ब्रेथ हाइट एंड डेप्थ और डेप्थ। तो ये जहाँ पर तीनों चीज़ें हों, लेंथ ब्रेथ हाइट और डेप्थ, ये 3 डायमेंशन हो गया, यानी कि 3D फिगर हो गए, ठीक है। और कुछ और बातें ज़रा 3D फिगर के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दे रखा है यहाँ पे, पेप्सोडेंट का एक रैपर है और ये भी एक 3D फिगर है। इसमें 6 फेसेस हैं और ये है क्यूबॉइड शेप का, और क्यूबॉइड के सभी फेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं और अपोजिट फेसेस हमेशा आइडेंटिकल यानी कि सेम होते हैं। तो इस फिगर को बोला जाता है रेक्टेंगुलर फेसेस वाला फिगर, ये है क्यूबॉइड। अगर इसके फेसेस स्क्वायर हो जाएं तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और क्यूब के सभी फेसेस स्क्वायर टाइप के होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें, एक पाउडर बॉक्स जो है, ये कर्व इसका सरफेस है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर, जिसमें एक कर्व सरफेस है और 2 सर्कुलर बेस है इसके, ठीक है। और इसके बाद है बर्थडे में काम आने वाली कैप, जो कि कॉनिकल कैप है, और ये बिल्कुल एक बर्थडे कैप जैसी, या आइसक्रीम कोन होता है। इसी तरह से एक और फेस है, बॉल वाला फिगर है, जिसको कि स्फेयर बोला जाता है, और ओनली 1 कर्व सरफेस होता है इसके अंदर, केवल ये जो है बॉल, इस पर एक ही कर्व सरफेस होता है। इफ़ वी कट अ बॉल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर हम इसको 2 भाग में काट दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सभी के सभी जो 3D फिगर हैं उनका जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है, वो हमेशा क्या होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। किसमें? स्क्वायर यूनिट में। एरिया जब निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो स्क्वायर यूनिट। और 3 डायमेंशनल फिगर का जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हो जाता है क्यूबिक यूनिट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। अब कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या होगा किसी भी फिगर का? जैसे कि ये फिगर है जिसको आप टच कर सके, वो पार्ट सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। मैचिंग की बात करते हैं, हाफ लेमन का शेप क्या होगा? हाफ लेमन शेप देखिए, हेमिस्फीयर हो गया, शू बॉक्स किस टाइप का होता है? क्यूबॉइडियल होता है, क्योंकि उसका रेक्टेंगुलर फेस होता है। फुटबॉल स्फीयर जैसी होती है, बॉल जैसी होती है। डाइस, डाइस क्यूब जैसी होती है, सारे फेसेस के स्क्वायर होते हैं। ट्यूबलाइट सिलेंडर होते हैं, और आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम किस जैसी होगी? कोन और ट्यूबलाइट सिलेंडर। तो ये सभी मैचिंग में आपको समझ में आ गए होंगे। जस्ट आपको अलग अलग 3D फिगर के शेप्स के बारे में और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, वॉल्यूम जो होता है इसमें तीनों चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये वॉल्यूम जो है क्यूबिक यूनिट में होता है।
तो 3D फिगर 3 डायमेंशंस होते हैं, 2D फिगर में 2 डायमेंशंस होते हैं। आज के टॉपिक में यही था, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वर्ष का, तब तक के लिए गुड बाय।